नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। जैसे कि आप देखते हैं, हर वीडियो में कुछ ना कुछ टॉपिक लेकर वीडियो अपलोड करता हूँ और रोज़ मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। क्या पता कौन सी टॉपिक पर आपको आइडिया अच्छा लगे। चाय पत्ती का बिजनेस के लिए अगर आपको चाय पत्ती का रिक्वायरमेंट होता है, डायरेक्ट सिलीगुड़ी टी फैक्ट्री से चाय पत्ती आप बाई कर सकते हैं। आज का जो वीडियो का मकसद है वो आप समझ रहे होंगे। ये लूज टी का जो कारोबार करते हैं, जो आप लोग होलसेल बिजनेस पे, तो आप लौट के लौट आप चाय पत्ती ले सकते हैं, सैंपल मंगा के चाय पत्ती बाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है दोस्तों, आप सिंगल ग्रेड की चाहे ब्लेंडेड टी का, चाहे आप पैकेट टी का बाई कर सकते हैं डायरेक्ट सिलीगुड़ी से। मैं सोचा, बहुत सारे वीडियो बनाया लेकिन इस तरह का ये वीडियो बनाया नहीं। डायरेक्ट बैठे बैठे, आज संडे भी है, मैं सोचा ऐसे भी ये वॉइस मैसेज एक वीडियो बना लूँ ताकि आप लोगों को कुछ तो नॉलेज आए वीडियो के माध्यम से। अगर आपको चाय पत्ती का नॉलेज आए तो कोई बुराई वाली बात तो नहीं है ना। तो मैंने तो कोलकाता का वीडियो बनाया, दार्जिलिंग का वीडियो बनाया, आसाम का टी का वीडियो बनाया, सिलीगुड़ी टी का वीडियो बनाया। तो दोस्तों, सिलीगुड़ी टी फैक्ट्री का डायरेक्ट आपको चाय पत्ती लेने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया गया है उससे आप संपर्क कर सकते हैं, सैंपल मंगा सकते हैं, लौट के लौट चाय पत्ती बाई कर सकते हैं और जो है सैंपल मंगा के सस्ते चाय पत्ती का जो है आप बाई कर सकते हैं डायरेक्ट सिलीगुड़ी से। मैं हमेशा लो प्राइस के चाय पत्ती के बारे में बहुत सारे वीडियो बना के रखा है। अगर आपको पहले से बिजनेस चल रहा है और सिंगल ग्रेड की चाय पत्ती का रिक्वायरमेंट होता है, चाहे 90 रुपये का हो, चाहे 100 रुपये केजी का हो, चाहे 150 रुपये केजी का हो, चाहे 200 रुपये केजी का हो, चाहे 250 रुपये केजी का हो, चाहे ग्रीन लीफ हो, चाहे ऑर्थोडॉक्स को हो, जो भी आपको रिक्वायरमेंट होता है, फ्रेस्ट को एक बार कॉल कर सकते हैं। आप 4 बैग से भी आप चाय पत्ती का व्यापार जो है स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आज आपको बताएंगे कि चाय पत्ती का कौन सी दाना मिलाने से और बढ़ते क्रम या घटते क्रम होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को देखिएगा पूरा, तभी आपको समझ में आएगा। ये मैं दिखा रहा हूँ, ये पीडी है ना, ये है डस्ट। तो इस तरह का पीडी और डस्ट में आप मिला सकते हैं होटल के लिए। और एक जो मैं आपको बताएंगे सस्ता चाय पत्ती का जो है, ये ग्रीन लीफ है ना, हरा पत्ती जो आप बोलते हैं, ये हरा पत्ती का एक सस्ता ब्लेंड मान लीजिए, ग्रीन लीफ डाल के और 110 का डाल के, बीपी बीपी बीओपी एसएम डाल के आप सस्ता चाय का एक जो है ब्लेंड बना के, ताज़ा जैसे ब्लेंड बना के मार्केट में सेल कर सकते हैं। 125 रुपये से लेकर 130 रुपये के बीच में आपको जो है ब्लेंड ताज़ा जैसे आपको ब्लेंड हो जाएगा। तो आपको ताज़ा जैसे ब्लेंड बनाने के लिए जो है आपको बीपी हल्का सा बीओपी एसएम मान लीजिए 2 पैक बीपी और 1 बैग बीओपी एसएम आपको खरीदना चाहिए। और उसके बाद जो है लिप जो है आपको 1 किलो मिलाना चाहिए ताकि 90 किलो, 26 किलो का अगर बैग होगा, 26 2 52 केजी और ये 26 केजी, टोटल 78 केजी के लिए ग्रीन लीफ लगेगा आपको 1 केजी, है ना। सस्ता चाय पत्ती का ब्लेंड के लिए आपको बताया। और उसके बाद जो है 150-60 का जो ब्लेंड है अगर तैयार करना है तो आपको जो है बीओपी एसएम 1 बैग 26 केजी, बीपी आपको 2 बैग 52 केजी और ओएफ आपको 15 केजी और पीडी जो है 10 केजी। ये इस तरह का आपको 100 केजी का ब्लेंड बना के और मिक्सचर बनाना है। और ऑर्थोडॉक्स जो है ब्लैक लीफ वो भी आपको जो है 2 किलो डालना है, ये ब्लैक लीफ है, ठीक है। तो इस तरह का आप सेम वही 160 का ब्लेंड तैयार करें, चाहे आप 180 का ब्लेंड तैयार करें, चाहे आप 190 का या 200 का ब्लेंड तैयार करें, सेम फार्मूला है। चेंज ये होगा कि चाय का प्राइस के जो दाना दाना तो वही रहेगा, प्राइस जो है ना
प्राइस के हिसाब से चाय का क्वालिटी आपको जो है ब्लेंड बनाना चाहिए। मान लीजिए बीपी 180 का लिया और बीपी 140 का लिया, इस तरह का ब्लेंड करेंगे तो चाय का रेट घटेगा और ब्लेंड भी सही बनेगा। तो इस तरह का देख लीजिए, मैंने दो तरह का बीपी लिया, एक तरह का बीओपी एसएम लिया, ठीक है, और उसके बाद थोड़ा सा हम लीप लेंगे। और चाहे आप डस्ट भी 100 केजी में 2 केजी मिला सकते हैं, ठीक है, और लीप भी 100 केजी में 2 से 2.5 केजी मिला के आप ब्लेंड बना सकते हैं। अच्छा क्वालिटी के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा, अच्छा प्राइस का ही चाय पत्ती खरीद के ब्लेंड करिएगा। अगर आप 200 रुपये का बीपी खरीदते हैं, अगर आपका मार्केट में 250 रुपये किलो चाय सेल हो रहा है, तो आपको जो है 160 का भी बीपी खरीद के और 200 का बीपी में ब्लेंड करके और बीओपी एसएम लीप पीडीओएफ इस तरह का ब्लेंड बना के आप जो है आप 250 में वापस मार्केट में सेल कर सकते हैं। पैकेट बना के इस तरह का चाय सेल होता है मार्केट में। और सबसे ज़्यादा बीपी इसीलिए मिलाया जाता है कि बीपी ग्रेड्स जो होता है मीडियम दाना होता है, ना बड़ा दाना ना मोटा दाना ना ही पाउडर, तो इसलिए सबसे ज़्यादा भारत में बीपी ग्रेड्स के ही चाय चलता है। तो बीपी ग्रेड्स को ऊपर नीचे करने के लिए बीओपी एसएम मिलाया जाता है और पीडीओएफ मिलाया जाता है, और लिप को थोड़ा सा स्वाद बढ़ाने के लिए और देखने में अच्छा लगेगा, तो इसीलिए ब्लैक लिप हो चाहे ग्रीन लिप हो, मिक्स में चाय पत्ती का ब्लेंडेड टी में जो है आपको मिक्स किया जाता है। इस तरह का ब्लेंड बना के खुद का ब्रांड बनाए और या तो लोकल पाउच में चलाए, आपके एरिया के अनुसार जो भी पाउच में चलेगा उसी हिसाब से आपको चलना चाहिए। आपके एरिया में अगर 150 रुपये किलो चाय चलता है, जैसे मैं सबसे पहले बताया 125-30 का रेंज का चाय बना के और पैकेट बना के आप दे सकते हैं 150-160 में, और ये जो आप देख पा रहे हैं ये 160 का ब्लेंड है। आप इस तरह का ब्लेंड बना के खुद का ब्रांड जो है बाजार में चालू कर सकते हैं चाय पत्ती के व्यापार में। और शुरुआत में आप जो है लोकल पाउच में चलाएंगे तो ही बेहतर होगा। एक तो आप नया है तो नया के लिए आप 2-4 लाख रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है। शुरुआत में आप लोकल पाउच से ही आप मार्केट में जाए चाय पत्ती सेल करें, जितना मार्केट में जाएंगे उतना ही आपका नॉलेज आएगा, चाय की प्राइस के बारे में पता चल जाएगा कौन सी चाय कैसे क्वालिटी के है और कौन सी चाय कौन सी दाना में ब्लेंड है, सब आपको मालूम पड़ जाएगा। अगर होटल टी का आपको ब्लेंड बनाना है तो आपको ओएफ और पीडी और कुछ परसेंट जो है आपको पीडी लेना डस्ट लेना है। पीडी मान लीजिए अगर 40% लेते हैं तो ओएफ आपको जो है कम से कम 50-55% आपको लेना पड़ेगा और 2-3% जो है आपको डस्ट लेना पड़ेगा। अगर आपके एरिया में लिप चलता है तो 2-3% लेना पड़ेगा, अगर लिप नहीं चलता है तो आप जो है 5% पूरा डस्ट डाल सकते हैं। डस्ट होटल टी में डालना जरूरी है, ठीक है, जैसे मैं 2-3 वीडियो में बोला था, जैसे दूध और पानी आम पब्लिक चढ़ाता है गैस पे तो क्या होता है पीडी वेब जो है ना नीचे गिर जाता है, ठीक है, मतलब नीचे पतीला के नीचे। और डस्ट जो है मान लीजिए दूध सफेद है और डस्ट ऊपर तैरते हैं तो ऊपर जैसे तैरेगा वो लिकर तुरंत छोड़ता है, तो इसलिए कस्टमर यही सोचता है कि चाय में शानदार लिकर होता है, तो इसीलिए डस्ट कुछ परसेंट मिलाना जरूरी होता है, तभी तो आपको चाय परफेक्ट बनेगा और मार्केट में चलेगा नहीं दौड़ेगा। इस तरह का चाय पत्ती सस्ते ब्लेंड बना के चाहे होटल टी हो चाहे होम ब्लेंड हो घर पे तैयार करें। अगर आपको आप बोलेंगे मैं छोटे स्केल पर बिजनेस को चालू करूंगा और 4-5 बैग से, तो आप रेडीमेड आप ब्लेंड खरीद सकते हैं। इससे क्या होगा आपका परफेक्ट ब्लेंड भी मिलेगा और आपको मार्केट में चलेगा नहीं दौड़ेगा। शुरुआत के लिए आपको ब्लेंड करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सिलीगुड़ी से फ्रेश टी से ब्लेंडेड टी ले सकते हैं। आपको 4 बैग भी भेजे जाएगा, है ना, पूरे भारत के लिए डिलीवरी ट्रांसपोर्ट से आपका माल पहुंच जाएगा।
इस तरह का आप चाय का व्यापार करें और महीना के कम से कम 50-60 हज़ार रुपये इनकम करके एक परिवार को चला सकते हैं और घर का काम भी कर सकते हैं। न ही आपको गोडाउन लेना है, न ही आपको दुकान लेना है, घर से शुरुआत कर सकते हैं। चाय की टपरी पर, किराने की दुकान पर, अपने गांव पे जो लोकल गांव पे जो चाय सेल करेंगे, घर घर जाके वो आप सेल कर सकते हैं। और रोजाना 20-25 किलो चाय तो आप घूम घूम के साइकिल पे, मोटरसाइकिल पे चाय पत्ती आप बेच ही देंगे। अगर गांव पे बेचेंगे तो अच्छा मुनाफा होगा, और हर हफ्ता में राउंड लगाएंगे तो इस तरह का आपके एवरेज जो है 20-25 किलो रोजाना चाय सेल होगा। इस तरह का चाय पत्ती का व्यापार करें और महीना का कम से कम एक अच्छा इनकम के साथ नौकरी से बेहतर आप इस चाय का व्यापार शुरू कर सकते हैं, क्योंकि चाय का व्यापार जो है कभी प्रोडक्ट खराब नहीं होगा, 12 महीना चलेगा, 6 महीना बाद भी करेंगे ये व्यापार दोबारा चालू तो आपका प्रोडक्ट खराब होने वाला नहीं है और नुकसान भी होने वाला नहीं है। तो दोस्तों सारे बातें हम करते रहते हैं, PDOF का डस्ट देख लीजिए, सारे बातें हम करते रहते हैं हर वीडियो में। आपको कैसा लगा हमें कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।